दिस चैनल। सो देखिए, मैं इससे पहले कि मॉक टेस्ट स्टार्ट करूं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट पूरा बनाया हुआ है, आप चाहें तो बहुत कुछ उसे सीख सकते हैं। लेकिन फिर भी आपकी डिमांड थी, मैंने प्रॉमिस भी कर दिया था, सो मुझे ये फुलफिल करना ही था। और आज मैंने बहुत मेहनत की, बट बीच में आप जैसा कि जानते हैं वो बंद हो गया था, इस वक्त इस वजह से हो नहीं पाया। अभी देखिए, यहाँ पे रात के 10:30 बज रहे हैं, ठीक है। और इस वक्त तक लगभग ये मेरा टाइम है, 10:30-11 बजे तक मैं बंद कर देता हूँ, बिल्कुल उसके बाद नहीं करता मैं, बट ये हो नहीं पाया। और देखिए, ऐसा है कि एक्चुअली अभी मेरे पास पूरा सेटअप नहीं है, ठीक है, तो मुझे उस नेट पैक में ही पूरा करना पड़ता है। और आपके सुविधा के लिए लगभग मैं 720 पिक्सल पे ही इसे करता हूँ, और इसकी वजह से पूरा लगभग 2-2 2.5 2.5 GB का ये बन जाता है। तो पूरा मतलब अगर ये मैं यूज कर लेता हूँ तो उसके बाद मुझे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलता जिससे मैं अपना प्रिपरेशन कर सकूँ। मतलब जैसे मान लीजिए मुझे करंट अफेयर्स वगैरह कुछ भी करना, नेट की जरूरत है, तो वो पूरा जो है एग्जॉस्ट हो जाता है इसमें, ठीक है। सो अगर मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ तो प्लीज आप इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिए, ताकि ठीक है मुझे भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ, अगर लोगों को मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ तो उनको फायदा मिल रहा है। लोग इतने लोग देख रहे हैं, इतना लोग इतने लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं आपसे और एक्स्ट्रा कुछ मांग नहीं रहा, जस्ट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपके आपको ऐसा लगे कि होना चाहिए, अगर इस कंटेंट में है आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ और सही है, तो आपके हिसाब से अगर ऐसा लगे तो आप प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। मैं मेनली हर बार सब्सक्राइब के लिए नहीं कहता, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, बट शेयर जरूर कीजिए ताकि बहुत लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। अब बहुत से लोग होते हैं उनको बेनिफिट मिलता है, वो कहते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है। सो इतना ही कहना था, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। और आई थिंक ये मैं अभी कर रहा हूँ रिकॉर्ड, और कल इसे अपलोड करूंगा, क्योंकि नेट पैक बस इतना ही कि मैं इसे मॉक दे पाऊँ। और 12 बजे के बाद लगभग मैं शेड्यूल कर दूंगा और कल ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप इसमें देखिएगा कि मैं किस तरह से जो है, ठीक है, किस तरह से मॉक देता हूँ और किस तरह से आपको करना है। चलिए, हालांकि ऑलीबोर्ड का बहुत अच्छा लेवल होगा इसका, स्टार्ट हो गया। चलिए यहीं से मैं स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि पहले मैं मिशन इसी करता हूँ। व्हेन आई डैश एट द प्रिंसेस अकेडमी व्हाई वाज लेड इनटू अ डिमिटेड रूम, अराइव्स नहीं होगा, मैंने ही अराइव, ठीक है। इजी है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डैश गार्डिंग इज लॉक्ड इन द गन सेफ इन रूल। चलिए, अगर सेफ गन इन सेफ, ऐसी बात आ गई तो देखिए, यहाँ पे वर्थलेस नहीं, वर्ड्स मोस्ट बोला है, कॉस्ट नहीं होगा, चीप नहीं, मोस्ट वर्थलेस नहीं, मोस्ट एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव के साथ ज्यादा जोड़ देता है, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे ज्यादा महंगा, दुनिया का सबसे महंगा। पेरिगल्स नो लॉन्गर एम्प्लॉयज एनीवन एवरीवेयर दिस एनीथिंग नथिंग नहीं, काफी इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंशनर्स पार्क इज वन ऑफ द ऑन द प्रीमियर टाइगर रिजर्व्स, है ना। टाइगर पार्क नहीं होता, रिजर्व ही होता है, स्टॉक वगैरह तो बिल्कुल बेकार है। ओवर द पास्ट मंथ रशिया हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इट्स मिलिट्री प्रेजेंस अलोंग इट्स बॉर्डर डैश यूक्रेन पैरेलल बिटवीन ऑन नहीं इनसाइड विद विद यूक्रेन, एक सेकंड। और पास्ट मंथ रशिया इंक्रीज मिलिट्री प्रेजेंस अलोंग इट्स बॉर्डर विद यूक्रेन, सही है। ही वाज डैश एन एवरेज आर्टिस्ट नॉर, यानी कि नीदर नॉर, ये तो इजी है, समझ गए होंगे आप। चलिए इसको हम बाद में करेंगे, मैं पैसेज बाद में करता हूँ आपको, जैसा कि पता है, ठीक है, पेन हटा देता हूँ। द स्टडीज हैव प्रूवन दैट योगा एंड आयुर्वेद आर इंडीड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन मेडिसिन, क्या करना है इसमें, स्पेल्ड करना है, स्पेल्ड करेक्टली होगा। द स्टडीज सही है, स्टडीज के हिसाब से हैव सही है, योगा ना आर आर इंडीड इंडीड बिल्कुल ही, एन इंटीग्रल इंटीग्रल सही है, आई थिंक ऑल आर करेक्ट। इवन ऑल द फ्रेग्रेंट परफ्यूम्स, परफ्यूम की स्पेलिंग गलत है, यहीं भी दिख गया, कुड नॉट, ओके पढ़ना ही नहीं आगे। वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट ड्रॉप्स टू, ओ हो, अ लगाया और ड्रॉप्स लगा रहे हो, अब यहाँ पे अ लगा दिया आपने आर्टिकल और एस लगा रहे हो, क्या मतलब इस चीज का, रॉन्ग, एक सेकंड, माउस का क्या हो गया। ही वॉज वेरी नर्वस अबाउट द एग्जाम एंड डिड नॉट एट, यहाँ पे डी नॉट, डी के साथ हमेशा जो है बेस फॉर्म आता है, ईट, ये तो सुना ही नहीं कभी ऐसा। बीरबल वॉज द मोस्ट प्राइज्ड पोजिशन ऑफ एम्परर अकबर, अमंग, अमंग की स्पेलिंग गलत है, ओके ये आ गया आपका एनो एरर पॉइंट, क्या फ्रॉम एरर, ओके सर इग्नोर। द वर्ड्स ही स्पोक ड्यूरिंग आवर प्रेजेंटेशन वर एट वराइंस टू द फैक्ट्स, वराइंस टू नहीं होता, हमेशा वराइंस विद होता है, ये तो इजी है ना, प्रपोजिशन की गलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई प्रपोज दैट मिस्टर हंसराज बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आई प्रपोज दैट मिस्टर हंसराज बी अपॉइंटेड, बी अपॉइंटेड बी प्लस बी थ्री लगा है सही है, एज चेयरमैन, बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स, आई प्रपोज दैट मिस्टर हंसराज बी अपॉइंटेड, बाद में करते हैं, चलिए थोड़ा भी डाउट हो तुरंत आगे निकलो। वी विल पेंट नॉट ओनली द इनसाइड ऑफ द हाउस बट ऑल्सो जेल, नॉट ओनली की बताओ इनसाइड पार्ट ऑफ दी सेम ऑल्सो द टेरिस ऑफ आर हाउस टू, ये गलत है, टू की जरूरत क्या है। वैन निखिल गॉट टू नो अबाउट हर ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, डोर टू डोर टू डोर होता है। I and she have been invited. यही पे गड़बड़ है, easy है। I and she नहीं, she and I होना चाहिए, ठीक है।
ओके, ये क्या आ गया आपका अरेंज वाला, ये तो मेरा फेवरेट है। ओके, सम पीपल डिफाइंस लाइफ्स गोल इन टर्म्स ऑफ मटेरियल अचीवमेंट, सम पीपल यानी सी ए डी, रैम्पेंट इन एवरी स्फीयर ऑफ ह्यूमन नाउ डेज वी फाइंड द लैक ऑफ डिसिप्लिन लाइफ फॉर पीपल, क्या है नाउ डेज वी फाइंड द लैक ऑफ डिसिप्लिन इवन इन एजुकेशन। ओके, बी से चालू करते हैं, रैपिड एवरी स्फीयर ऑफ ह्यूमन नाउ डेज वी फाइंड द लैक ऑफ डिसिप्लिन इन एवरी स्फीयर ऑफ ह्यूमन लाइफ बी पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एंड इवन इन एजुकेशन, यानी कि बी होगा बी ए सी डी, यानी ये होना चाहिए आई थिंक। ओके, वी सेलिब्रेट देम विद जॉय दैट ओकर व्हेन वी ऑब्जर्व द विनर्स, व्हेन वी ऑब्जर्व द विनर्स, इसमें क्यों डाउट आ रहा है, व्हेन वी ऑब्जर्व द विनर्स, यानी कि ये हो जाएगा लगभग व्हेन यू ऑब्जर्व द विनर्स ट्रांसिस रेड कॉस्मिक इवेंट और दैट अकॉर्ड इन 2004 एंड 12 वी सेलिब्रेट डीएससीबी। बाद में करो, ठीक है, अरे ठीक है, प्लीज। ओके ओके, हाँ डैश सॉरी गाइस, ये मम्मी दूध लेके आ गई थी, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, एक सेकंड, क्या करना है, 15 मिनट बचे ना, अरेंजमेंट है। ओके, डैश लिविंग स्टैंडर्ड, हाँ ठीक है, प्लीज जाइए आप। ओके, कहाँ पे थे हम लोग, डैशिंग लिविंग स्टैंडर्ड एबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन कुड इंप्रूवमेंट, कूट के ये तो बिल्कुल गलत है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है कभी कभार, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, हमें अरेंजमेंट करना है। ओके, कर्स इन लिविंग बिल्कुल गलत है, इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड एबिलिटी एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन कुड, यानी बी से चालू होगा, तो बी से दो ऑप्शन है, एंटीबायोटिक कुड पुट कर्स इन कुड स्टॉल, यानी बी सी है, सिंपल सी बात, ठीक है, एंड प्ले कर्स बाय बैक्टीरिया। ओके, द वर्ल्ड द व्हाट्सएप शेकी ग्रीन आइकन, द व्हाट्सएप फेम्ड ग्रीन आइकन which hold a pride of a shaky on नहीं of a place on smartphone screen is on a shaky ground, तो ये सही है, the WhatsApp's famed, यानी B से चालू हुआ, the WhatsApp famed green icon which hold a pride of a shaky on smartphone screen is on a shaky, यानी last में ये आएगा, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है ना, माइंड पूरा इधर उधर हो जाता है, ठीक है, इसलिए लाइफ में थोड़ा सा जब मैं अपना सीधा मौका देता हूँ, मतलब जो मैं खुद से देता हूँ, कोई टेंशन नहीं होता, डायरेक्टली देता हूँ, मैं लाइफ देता हूँ, मुझे प्रेशर रहता है ऊपर से, पता नहीं कैसे मार्क्स आएगा, आगे कैसे क्वेश्चन आएंगे, और ऊपर से थोड़ा सा इधर उधर होता है, लिटिल बिट ऑफ डिस्टर्बेंस। ओके, सही है, तो व्हाट्सएप फेम्ड ऑन ग्रीन आइकन व्हिच होल्ड इट प्राइड ऑफ अ प्लेस ऑन स्मार्टफोन स्क्रीन इज ऑन अ शेक ग्राउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेनी थिंग्स व्हिच एग्जिस्टेड टुडे, ये तो सही है, ए से सही है, ए से सही है, ए से एक ही ऑप्शन देख लेते, इन ह्यूमन इमेज इज नॉट सो लॉन्ग अगो इज आर अ पार्ट, यानी कि नो अरेंजमेंट, क्यों, इज ओनली अ पार्ट ऑफ आर डे टू डे लाइफ। ओके, सो ये हो गया, राइट, 7 नंबर है, सो चलिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल ब्लैंक वन। अच्छा, हम लोग यहाँ पे आ गए, कुछ बचा है नहीं, ये क्या छोड़ गया एक, चलिए इसको बाद में करेंगे थोड़ी इसको, हमारे पास इतना टाइम बचा है तो मैं पूरा आज आपको पढ़ के बताऊंगा, ठीक है, आज मैं थोड़ा टाइम बचा है, ये थोड़ा दूध पिया तो पी लेता हूँ, ठीक है, सो पूरा पढ़ के बताऊंगा मैं। विंटर वाज कमिंग एंड द बर्ड्स हैड फ्लोन फार टू द साउथ where the air was warm and they could find berries to eat. Okay, मतलब जो है विंटर आने वाला है and the birds had flown. Birds उड़ गई हैं कहाँ पे? Far to the south की ओर, where the air was warm and they could find berries to eat. मतलब berries वगैरह खाने को उन्हें मिलेंगी और वहाँ पे थोड़ा गर्म हवा भी उन्हें मिलेगी. One little bird had broken its wing. उनका एक एक का टूट गया है क्या? जो wing है and could not fly with others. दूसरों के साथ उड़ नहीं सकती थी. It was alone in the cold. वो अकेली थी cold में. World of frost and so frost and so मतलब जो गिरता है ना ठंड का जो पूरा फुहारा होता है मतलब ऊपर से भी जो गिरता है और जो जो ठंड के साथ चलती हवाएं भी. द फॉरेस्ट लुक्ड वार्म, ठीक है, जो फॉरेस्ट था वो काफी गर्म लग रहा था एंड इट मेड इट्स वे टू द ट्रीज. तो वो ट्रीज, जब वो ट्रीज लिखा है ना तो फॉरेस्ट की बात हो रही है, तो वो वहां पे वो फॉरेस्ट की ओर गई टू आस्क फॉर हेल्प, हेल्प के लिए. फर्स्ट इट केम टू अ ब्रिज, ठीक, हाँ, ये ट्री के पास आई. ब्यूटीफुल ब्रिज टू, इट सेड माय विंग इज ब्रोकन, माय फ्रेंड्स हैव फ्लोन अवे, मेरे जो है ये विंग टूट गए हैं, मेरे दोस्त चले गए हैं बहुत दूर. मे आई लिव अमॉन्ग योर ब्रांचेस स्टिल टिल दे कम बैक टू मी, जब मतलब कह रहा कि जब तक वो लोग मेरे पास वापस आएंगे तब तक मैं क्या आपके ब्रांचेस पर रह सकती हूँ, चाहे तो मेरे विंग वगैरह जो भी लिखा है मतलब वहां से वो लोग आएंगे तब तक रहेगा. नो इंडीड, उसने बोला नहीं बिल्कुल नहीं. आंसर द बीस्ट, इसने आंसर दिया, ड्रॉइंग हर फेयर ग्रीन स्लिप्स अवे, वी ऑफ द ग्रेट फॉरेस्ट हैव आवर
ऑन वर्ड्स टू हेल्प, आई कैन डू नथिंग फॉर यू, मतलब मेरे यहाँ पे खुद ही इतने सारे वर्ड्स हैं, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो बीच इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेड द लिटिल बर्ड टू इटसेल्फ, उसने खुद से कहा। एंड इट माइट बी दैट शी कुड नॉट होल्ड मी इजली, वो मुझे आसानी से होल्ड नहीं कर पाएगा। आई विल आस्क द ओक, मैं ओक को पूछूंगी, ओक ट्री, सो द बर्ड सेड, 11:47, ठीक है टाइम है। चलिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे मैं जब फास्टली करता हूँ तो मेरे मन में करता हूँ, तो सब कुछ बहुत फास्ट होता है। आप इस तरह से सीख सकते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा सिखाऊंगा अभी कैसे आप जो है न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं। ओके कहाँ पे तुम लोग, इन द स्प्रिंग टाइम क्राइड द ओक, क्या ग्रेट ओक ट्री, यू आर सो स्ट्रॉन्ग, आप बहुत ही मजबूत हो, विल यू नॉट लेट मी लीव ऑन योर ब्रॉड टिल माई फ्रेंड कम बैक इन द स्प्रिंग, जब तक क्या मुझे आप नहीं रहने देंगे, जब तक मेरे दोस्त वहां से नहीं आ जाते स्प्रिंग टाइम से। इन द स्प्रिंग टाइम क्राइड दो, बहुत तेजी से लाया, क्या यहाँ पे देखा एक्सप्लेनेशन मार्क है, क्राइड दो, जो क्राइड मतलब रोया, बहुत तेजी से रोया, दैट इज अ लॉन्ग वे, हाउ डू आई नो वट यू माइट डू इन दैट टाइम, बर्ड्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट, बर्ड्स हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, एंड यू माइट इवन ईट अप माई अकाउंट्स, और आप मेरे अकाउंट्स को भी खा लेंगे। द पुअर लिटिल बर्ड डिडंट नो वट टू डू, इट्स विंग वॉज नॉट येट स्ट्रॉन्ग, अब से कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे, उसका जो है ये जो है विंग भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट इट बिगन टू फ्लाई अभी, लेकिन वो धीरे धीरे उड़ने की कोशिश करती है, बहुत दूर गई, एज वेल एज इट कुड, जितना हो सकता था उतना दूर वो गई, बिफोर इट हैड गॉन फार, अ वॉइस वर्ड, जब तक कि वो बहुत दूर जाती है, मतलब उसे समझ जितना हो सका मैं जाऊंगी, और जब तक कि वो बहुत दूर जाती वहां से एक आवाज सुनाई दिया, लिटिल बर्ड इट सेड वेयर आर यू गोइंग, लिटिल बर्ड उसने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, लिटिल बर्ड इंडीड आई डू नॉट नो, मैं बिल्कुल नहीं जानते, एज सो द बर्ड सैडली बहुत ही दुखी से दुख से कहा उसने, आई एम वेरी कोल्ड, मैं बहुत ही जो है मतलब ठंड महसूस कर रही हूँ, या फिर बहुत ही ठंडी हूँ, कम राइट देयर, इधर आओ, देन से द फ्रेंडली स्प्रूस ट्री, स्प्रूस ट्री मतलब जो उसका फ्रेंडली स्प्रूस ट्री, उसने कहा यू शैल लीव ऑन माई वार्मेस्ट, हमारे पास 10 मिनट बचे हैं, काफी टाइम है, चले आराम से चाहूंगा, यू शैल लीव ऑन माई वार्मेस्ट ब्रांच ऑल विंटर इफ यू चूज, अगर आप चाहो तो मेरे ये गरम गरम ब्रांच पे रह सकती हो पूरे विंटर, विल यू रियली लेट मी, क्या तुम मुझे रहने दोगे, सच में बर्ड कहती है, आस्क द लिटिल बर्ड ईगरली, ईगरली मतलब बहुत ही उसने मतलब ईगरली कैसे होता कि एकदम चाहते एकदम उसे विश्वास नहीं हुआ, लिटरली सच में ऐसे, Indeed, I will. सच में मैं सच में रह सकती हूँ ऐसे. Answer the dash-hearted spruce tree. ठीक है. If your friends यहाँ पे बहुत ही जो है प्यारा सा कुछ आएगा word. अभी आगे देखेंगे. अच्छा ये रहा ये fling यहीं पे है पहले. तो यहाँ पे क्या आएगा? Rude नहीं आएगा. Cruel नहीं. Kind. चलिए मिल गया. पहले ही हो गया. ठीक है. ये हो गया. चलिए हम लोग आगे जाते हैं. Easy है. काफी पैसे easy है. ठीक है. I will answer the kind-hearted spruce tree. If your friends have flown away, it is time for the trees to help you. अगर आपके दोस्त चले गए हैं बहुत दूर. मतलब उड़ गए हैं बहुत दूर, तो ये हमारा टाइम मतलब ट्रीज का ये टाइम है और कर्तव्य बनता है कि इस वक्त आपकी मदद करें। Here is a branch where my leaves are thick and soft. ये मेरी ब्रांचेस है जिसकी लीव्स बहुत थिकेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट है। My branches are not very thick. मेरी ब्रांचेस बहुत ज्यादा जो है थिक नहीं है, सिर्फ फ्रेंडली पाइन ट्री, कौन कहता है पाइन ट्री कहती है, बट आई एम बिग एंड स्ट्रॉन्ग, लेकिन मैं बहुत बड़ा हूँ स्ट्रॉन्ग हूँ, एंड आई कैन कीप द नॉर्थ विंड फ्रॉम यू एंड द स्प्रूस, आई कैन कीप द नॉर्थ विंड मतलब इस नॉर्थ वाले विंड को उससे बचा के रखेगा, फ्रॉम यू एंड द स्प्रूस आई कैन हेल्प टू एंड द स्प्रूस आई कैन हेल्प टू सेड अ लिटिल जूनिपर ट्री, और ये जूनिपर ट्री भी कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, आई कैन गिव यू बेरीज ऑल विंटर लॉन्ग, मैं आपको जब तक आप चाहो तब तक बेरीज दे सकता हूँ। आई बी बेस क्लर्क आई थिंक काफी इजी इसलिए दिया है, ठीक है ओके okay? ये मम्मी दूध लाई थी, मैं पी लेता हूँ, मैथ में तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। सो द स्प्रूस गिव द लोनली लिटिल बर्ड अ होम, सो स्प्रूस ने एक छोटे से बच्ची को मतलब वो चिड़िया को घर दे दिया, तो पाइन गिव द कोल्ड नॉर्थ विंड अवे फ्रॉम इट, जो पाइन था उसके मतलब जो विंड था नॉर्थ वाला विंड था उसे बचा के रखती थी, एंड द जूनिपर गेव इट बेरीज टू इट, तो तीनों ने अपना अपना काम किया, जूनिपर से बेरीज दे दिया। सो गॉड वाज वाचिंग ऑल दिस, तो भगवान ये सब देख रहे थे, एंड थस ही डिसाइडेड टू मेक द लीव्स ऑफ द स्प्रूस द पाइन एंड द जूनिपर टर्न टू एवरग्रीन, और इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दिया मतलब डिसाइड किया कि आप जो है स्प्रूस की पाइन के और जूनिपर के जो ये पत्ते वगैरह है उनको हमेशा आप एवरग्रीन रखेंगे, ठीक है, दैट वुड सर्वाइव इवन इन हार्श विंटर्स, बहुत ही बुरी कंडीशन में एकदम बहुत खतरनाक विंटर पड़ेगा तो भी वो सर्वाइव कर जाएंगे, एंड स्टॉर्म्स और स्टॉर्म्स में भी, ठीक है। सो चलिए अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अगर आप समझ के पूरे पैसेज को समझ के फिर आप अटेम्प्ट करने जाते तो आपके लिए कितना इजी हो जाएगा, आप देखिए बस, ठीक है। ये देख के मुझे समझ में आ गया बहुत इजी है, तो मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको समझाने का कि इस तरह से आपको समझ के भी करना चाहिए, तो बहुत इजी हो जाता है। विच पैराग्राफ ऑफ द पैसेज टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द बर्ड ईटिंग अप ऑल द एकॉर्न ऑफ ओक ट्री, चलिए देख लेते हैं। इसमें तो उड़ने उड़ने की बात चल रही थी, ठीक है, इसमें बात हुई थी इसकी, आई एम श्योर सेकंड पैराग्राफ इसका आंसर, ये रहा ग्रेट ओक ट्री, यू आर सो स्ट्रॉन्ग, आई विल नॉट लीव इन योर बॉन्ड, ईटिंग अप ऑल द एकॉर्न, ओके क्राइड ओक दिस लॉन्ग बर्ड आर ईटन, हाँ ये रहा समथिंग यू एंड यू माइट इवन ईट अप माई एकॉर्न्स, ठीक है। सो पैराग्राफ टू इज राइट आंसर, वी ऑफ द ग्रेट फॉरेस्ट हैव आर ऑन बर्ड्स टू हेल्प, आई कैन डू नथिंग फॉर यू, दिस वर्ड्स वर सेड बाय हुम, हमारे पास खुद के पास इतना और हमारे खुद के बर्ड्स इतने सारे हैं, मतलब हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, हमने यहीं पे पढ़ा था ना, यहीं पे पढ़ा था, ये किसने कहा था,
स्प्रूस हाई विल बॉम्ब से पांच, ये तो यहीं पे आएगा, क्योंकि पूरे लीडर बोर्ड दोनों यूज सुनो। ओके आई डू हेल्प आर लोगों को आज इस इकन पर इंडीड वी ऑफ ग्रेट फॉरेस्ट हैव रन, ये रहा ठीक है, ये रहा। एंड सो द ब्रीज ड्रॉइंग हर फेयर ग्रीन लीव्स अवे, वी ऑफ द ग्रेट फॉरेस्ट हैव रन द बीच ट्रीज नॉट वेरी बीच 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 बी वाला, ये वाले की बात हो रही है, बीच जो भी नाम है इसका। आउट ऑफ द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग फाइव ट्रीज हुज लीव डिड गॉड ब्लेस टू बिकम एवरग्रीन, ये तो बहुत इजी है, लास्ट में था यहाँ पे, कौन कौन था यहाँ पे, स्प्रूस पाइन और जूनिपर, स्प्रूस पाइन एंड जूनिपर यानी ओनली थर्ड। ओके नो विच इज द ट्री दैट प्रोटेक्ट द बर्ड फ्रॉम द नॉर्थ विंड, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था, यहाँ पे लास्ट में पढ़ा था, यहाँ पे होल्ड नॉर्थ विंड अवे फ्रॉम इट, कौन एंड द जूनिपर गेव इट, जूनिपर तो हो गया नहीं, सो द स्प्रूस गेव द लोनली लिटिल बर्ड अ होम, द पिंक द पाइन कैप द वुड कोल्ड नॉर्थ, पाइन 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 पाइन, ठीक है। देखिए हमारे पास अभी 6 मिनट बचे हैं, ठीक है। सो ओके अब मैं कर रहा हूँ आराम से, व्हाई डिड ऑल बर्ड्स फ्लाई टू द साउथ, ये तो इजी टू गेट वार्म एंड फूड, है ना, उन्हें खाना वाना चाहिए था और गर्मी चाहिए थी यहाँ पे, तो फॉरेस्ट लुक्ड वार्म एट ये रहा फार टू द वेयर द एयर वाज वार्म एंड दे कुड फाइंड बेरीज, सो बस यही है। आउट ऑफ द फाइव ऑल्टरनेटिव चूज अ वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द हार्श, हार्श यानी बहुत ही खराब, उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होगा, सेवर हार्ट प्लीजेंट सिंपल, बहुत इजी दिया यार, काफी इजी दिया। फाइंड द ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट, द बीच इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग दैट इज अ लॉन्ग वे आई एम बिग एंड स्ट्रॉन्ग आई इज वेरी कोल्ड कम राइट हियर देन, द ब्रिज इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग दैट इज अ लॉन्ग वे आई एम बिग एंड स्ट्रॉन्ग आई इज वेरी कोल्ड कम राइट हियर देन, ठीक है। सो इसमें मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है, अब देख लिया हमारे पास 5 मिनट बचे हुए, मतलब आप समझ सकते कितना ईजी है, अब मैं इतना तो समझ गया हूँ कि अगर इसने ये ईजी दिया तो पक्का इसने दूसरे सेक्शन काफी अच्छे दिए होंगे, ठीक है। सो मैं ये आपको इसलिए रख देता क्योंकि एक बचा है कि मतलब रिस्क, आप मैं देखिए आप रिस्क ले सकते हैं लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ तो आपको नहीं कहूंगा टिक करो, आप श्योर नहीं हो, लेकिन अगर मैं सिंपल मॉक अपना दे रहा होता तो मैं इसे टिक कर लेता, ठीक है। चलिए मैं बता रहा हूँ तो आपको क्लिक नहीं करूंगा, ठीक है, मैं इसे सबमिट करता हूँ, सबमिट कैसे होगा, ये नेक्स्ट सेक्शन ही रहा, आर यू श्योर यू वॉन्ट, ओके कंटिन्यू टेस्ट, अरे बाप रे ये क्या है, ज्यादा खतरनाक लग रहा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके सो ये हो जाएगा 90 नहीं, ये हो जाएगा 48 नोटे 72 और 36 25 43 432, इसमें से प्लस करना है आपको, अच्छा तो 1176 में से आप 432 माइनस कर दो, ठीक है, तो 4 4 7 4 11 744, तो एक्स परसेंट ऑफ 930 744, यानी कि ये ऐसा हो जाएगा, सो ये आपका हो जाएगा 93 9 9 7 63 63, यानी कि ये आपका 930 आप यहाँ से ले लीजिए और ये 4 8 यानी कि ये हो जाएगा लगभग 8 3 24 9 8 72 73 74 यानी 80, ओके 15/120 यानी 1200 इज इक्वल टू एक्स माइनस 13/91 यानी 910, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे ये जीरो ये कितना 9 ये 290, ठीक है, क्या करना था इसमें, ओके ये आपका हो जाएगा यहाँ से ले लीजिएगा 10 तो ये हो जाएगा 4 5 10, ठीक है। अभी 31 × 34 -14 इज इक्वल टू 40x, तो चलिए इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 34 4 4 12 3 3 9 4 3 2 5 9 10 1054 14 0 4 0 40 4 2 8 4 4 3 8 4 6 24 यानी 26, ठीक है। ओके तो 80 456 × 57/400 × x इज इक्वल टू 17, सो यहाँ पे देखिए 8 5 40 ये चला गया, ठीक है, ये 57 है और 57 ये हो गया 17, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 6 7 7 56, तो ये 8 बार जाएगा 8 5 40 यानी 17 6 68 यानी 680, ठीक है, 15% 10% कितना हो जाएगा 58 और 5% हो जाएगा इसका दूसरा यानी 29, 9 8 17 5 2 7 8 87 -80%, 10% 66.5, 8 से मल्टीप्लाई कर दो 8 5 40 8 6 48 4 52 8 6 48 53 यानी 532, तो 532 तो उसमें से माइनस कर दो 12 में से 7 गया 5, 12 में से 8 गया 4, 4 4 5 माइनस में,
ठीक है, चलो दूसरे पेज कर लेते हैं। आप 94 into 86, अरे यार ये तो खतरनाक लग रहा है। अब इसको हम लोग डिजिट से करेंगे। 9 4 13 यानी 4, 8 6 14 यानी 5, 4 1 5, 9 2 11 यानी 2, 7 2 9, ये तो गया पूरा। यानी 5 4 20 यानी 2, 5 2 9 10 यानी 1 2 1 3, यानी कि आपका टोटल जो है 3 आना चाहिए कुल मिला जुला के। ठीक है, तो 7 4 11 नहीं होगा, 9 9 4 3 7 नहीं होगा, 7 9 5 14 4 18 18 सात नहीं होगा, 9 9 18 8 4 12, ये हो जाएगा आंसर। तो कहीं कहीं कुछ भी, अभी लास्ट में हमने चेक ही नहीं किया, एक बार चेक कर लेते हैं लास्ट वाला भी। 9 9 18 7 4 11 नहीं होगा, है ना। ओके, फिर ये हो जाएगा, ये हो गया 196, ये 2 1 9 7 किसका हो जाएगा, 13, ठीक है, प्लस 4 0 9 6 ये किसका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8, ठीक है, तो 13, ये 8, 8 6 14 9 1 10, 204 माइनस 13 9 191, 13 ठीक है, 8 80 माइनस 6 7 2 4, देखो 8 2 भी कर लो आप, फिर 5 6 7 8 8 64, 8 8 64 यानी 85 करोगे तो आप 5 5 25, 8 9 72 125 से कम है यानी कि 82, यानी 82 माइनस आप ये कर सकते हैं 7 5 5 25 7 8 56 125 से ज्यादा 79, यानी कि आप कर सकते हैं, तो माइनस में आ रहा है, माइनस में तो आ रहा है, यानी कि 9 2 11 8 7 16 80 1 9 8 16 में से 8 गया 8 81 माइनस में 81, ठीक है। अब देखिए 27 का हो जाएगा 729 प्लस 6 4 3600 प्लस 6 4 36 6 3 18 2 36 3 39 3 3 9 10 11 12 96 ही हो गया, ठीक है, और 6 9 6 2 8 3 1 4 और 700 29 9 6 15 9 11 12 8 7 15 16 4 1 5 5 6 2 5। ओके, चलिए मुझे लगा इसमें टाइम लगेगा बट हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, हम इसको भी कर सकते हैं। देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये आप कौन ले लो, उसको माइनस भी तो कर सकते हैं हम लोग, इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप 0.4 का 114 ही रखो और इसको डिवाइड कर दो, तो 4 4 16 4 64 यानी 0.04 की पावर 3 को आप 3 एकम 3, ठीक है, तो इसको 46 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 114, 46 × 3 6 3 18 4 3 12 1 13, 114 8 4 यानी ये 24 आया, 4 4 16 यानी 2 2 का पावर इधर हो जाएगा, यानी 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, लगभग लगभग ये 12 बढ़ जाएगा, -12, क्योंकि ये यहाँ पे ये डिजिट छोटा है और इसका अगर मैं इसको 4 4 यानी 2 का पावर 2 करता हूँ, ठीक है, तो 24 से आप घटा डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा, यानी -12। चलिए ये क्या है, अरे बाप रे बाप, इसमें तो काफी वेरिएबल्स हैं। अब समय की मांग ये है कि ये चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन इसको बोलते हैं लेंदी, हार्ड नहीं बोलते, इसको लेंदी बोलते हैं, ठीक है, ये हार्ड पेपर नहीं, इसको लेंदी कहते हैं, ये लेंदी है, उठा लिया तो गए काम से। अब देखिए कुछ मिल तो नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ मिला है, इसको करते हैं, अरे यार ये रहा, सॉरी 28 यानी कि 25 से 26, ठीक है, 128, अच्छा मुझे साफ साफ दिख रहा है ये 0.5 हुआ इंटू 1 हुआ, 1.5 होगा, 15 6 90, 15 6 60 960 यानी कि 96। ओके, 29 1, फिर 3 का गैप, फिर 7 2 9 का गैप, यानी 1 का 1 4 5, एक सेकंड, 29 30 33 42 x 150 393, तो 1 3 7 2 9, अच्छा 3 3 9 3 27, तो 7 2 9 4 2 6 69, ओके ठीक है, ये देखो 8 26 62 116 188 x, 8 3 24 2 26 26 52, 26 2 52, 8 2 10, 26 2 52 प्लस 10, नहीं 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 तो कुछ घपला है, 8 18, ठीक है, और ये 5 6 5 6 3, 6 7 4 और 6 5 11, अच्छा 18 2 36 34 72, 18 5 90 यानी कि 8 9 8 17, 278 तेरा, आजा 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 आजा,
3 4 1 3 4 1 2 1 3 1 2 1 59 21 x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 11 में से 3 क्या 8, 9 10 11, 3 में से क्या 2 और 128, ठीक है। फिर 3 में से क्या 2, 11 में से 2 क्या 9, 92 और 11 में से 9 क्या 2 और 11 में से 6 62, 8 में से 2 क्या 6, 9 10 11 12, 6 3 9 36। यार कुछ तो वटपट है इसमें, मुझे लग रहा है इसमें कुछ स्क्वायर स्क्वायर का कुछ है, लेकिन बाद में करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डाउट आ गया। ओके 10, अच्छा ये देखो 5 दुनी 10, 5 दिया 15, 5 पचे 25, 5 सते 35, फिर 11, 11 12 13, क्या 13, 13 पचे ये 65, आप 5 5 10, 6 5 11 12 120, 120 तो है नहीं, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हुएगा। देखो 5 सते 35, फिर अच्छा 65 डायरेक्ट ही आएगा, सॉरी 65 डायरेक्ट ही आएगा, मैं ऐड करने लगा उसमें। ओके चलिए पेज पलटते हैं, अभी काम करते हैं, हम लोग चलते हैं उस डीआई पे, ऊपर जो डीआई था यहाँ कहीं पे था, ये रहा। इसमें क्या है, फुटबॉल में ईच प्लेयर को नंबर ऑफ हेडेंस को इन द होल टूर्नामेंट नंबर ऑफ हेडेंस बाय ईच प्लेयर, इसमें भी प्लेयर स्कोर उन्हीं सम को, ठीक है। लाइन ऑफ चाहिए बिलिंग नंबर ऑफ अटेम्प्ट मेड मेड में प्लेयर का नंबर ऑफ सेट परसेंटेज। ओके चलो नंबर अटेम्प्ट्स लिख दो, ए बी सी डी ई, ये टेबल बना रहा हूं मैं, ठीक है। टोटल है आपके कितने 40, ये परसेंटेज है कि क्या, टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट है एक्चुअली 40, 25, 25, 50, 30 और ये लास्ट में क्या है, लास्ट में है 20, ठीक है। अच्छा ये अब परसेंटेज वैल्यू आएगा नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड एज परसेंट ऑफ टोटल अटेम्प्ट। ओके नंबर ऑफ गोल, नंबर ऑफ गोल ये है टोटल, ये नंबर ऑफ गोल, नंबर ऑफ गोल आपका आ जाएगा 30%, चलती है 12, फिर उसके बाद 40, 25 चूंकि 100 यानी 10, ये है आपका 20, 15 10, ये है आपका 50 यानी कि 15, ये है आपका 6 यानी 6 दूनी 12, ठीक है। तो नंबर ऑफ गोल्स आ गए, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट इन ईच ए डिडंट स्कोर, अच्छा ये भी है क्या, तो डिडंट स्कोर वाला भी कर लेते हैं भाई। 8 और ये 4 में से, 3 में से क्या 2, ठीक है 15, ये 40, ये 15, ये 8, चलो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट इन ईच ए डिडंट स्कोर गोल, ए 28 एंड दैट इन ईच ई डिडंट स्कोर 28 और ये 8 यानी 20, ये कुछ काम का अच्छा दिया है। द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर बाय डी, नंबर ऑफ गोल्स स्कोर बाय डी इज व्हाट परसेंट नंबर्स ऑफ बी एंड सी टुगेदर, बी एंड सी 10 10 20, 5 या 15, 5 6 20 बटे 4 होता 25 या 75 यानी 75%। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर बाय डी एंड एफ, डी एंड एफ टुगेदर, एफ कहां है, अच्छा एफ भी है क्या, सॉरी सॉरी देखा ही मैंने, टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हैं एक सेकंड 45, एफ 45, ठीक है। और ये परसेंटेज कितना है यहां पे 40, तो ये 45 गुना 90 यानी 9 18 हो जाएगा ये, और 60, 15 में से 8 गया 7 और 3 से गया 227, ठीक है। फादर इज द टोटल नंबर गोल्स स्कोर बाय डी एंड एफ टुगेदर, डी एंड एफ टुगेदर यानी 8 5 13 और ये 33, टू द टोटल अटेम्प्ट मेड बाय बोथ प्लेयर टुगेदर, मेड बाय बोथ प्लेयर टुगेदर डी और एफ, अच्छा 5 और 4 3 7, 3 एकम 3 3 2 6 3 5 11 125 13, नंबर ऑफ अटेम्प्ट ईच ऑफ व्हिच बी डिडंट स्कोर, बी डिडंट स्कोर 25 इज इक्वल टू दैट ऑफ 25 इज इक्वल टू दैट ऑफ एक सेकंड, बी डिडंट स्कोर 15 है, सॉरी बी डिडंट स्कोर 15 है, गोल इज इक्वल टू व्हिच ऑफ द प्लेयर, ये गोल है आपका डी से रिलेटेड, डी से सेम। फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ गोल स्कोर बाय बी एंड सी, क्या लिखा है, फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ गोल स्कोर बाय बी एंड सी, एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड, नंबर ऑफ गोल है ना, एंड दैट ऑफ स्कोर ए एंड ई, टोटल नंबर ऑफ गोल स्कोर बाय बी एंड सी टुगेदर 20 और ए और ई टुगेदर 12 12 24, तो 4 2 2 4 यानी 22, अरे ठीक हो ना भाई। ओके द सम ऑफ 80% ऑफ फर्स्ट नंबर एक्स का 80% एंड 60% ऑफ सेकंड नंबर एंड 60% ऑफ वाई इज 84, ठीक है चलो कोई बात नहीं, 4 से 15 चौके 60 और 4 दुनिया 4 एकम 4, ठीक है। तो ये 1 बाई 5 यानी x बाई 5 हो गया और ये 5 या 15 5 दुनिया 10 यानी 3 बाई 20 y हो गया, तो इसको भी कर देते तो ये 4 4x 3y हो गया, ठीक है। तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 एकम 2 दुनिया 4 यानी 420 हो गया एंड फर्स्ट नंबर इज 35 लेस देन द सेकंड नंबर यानी कि x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 35 है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये मिल जाएगा
4x कर दूंगा मैं, माइनस 4y कर दूंगा मैं, तो ये 35 चौके 4 पचे 20, 4 3 12 13 14 माइनस 140 हो जाएगा। सो ये गया, ये प्लस कर दो 4 3 7y हो जाएगा, ये प्लस कर दो तो 0 4 2 6 4 1 5 यानी y इज इक्वल टू आएगा 7 8 y इज इक्वल टू 80 आ जाएगा। पूछा है कि सम ऑफ द बोथ नंबर, तो y अगर 80 आ गया, ठीक है, अगर y 80 आ गया तो 80 में से 35 घटा दो 5 45, 80 और 45 5 8 4 12 125, ठीक है। चलिए देखते हैं छोटे मोटे पहले कितने निपटे जाओ, निपटाओ तो ना, ठीक है। हमारा 29.2% का इट्स कॉस्ट प्राइस, चलो ठीक है, यानी अगर ये 100 है तो ये 139.2 कर देगा। गिव टू एक्स्ट्रा 10% ऑफ 10%। अरे यार नहीं 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 अभी कोई भी ऐसे क्वेश्चन में नहीं फंसना है, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ आगे कितने क्वेश्चन करने लायक है, तो मैं उस हिसाब से कोई डिसीजन लूंगा, ठीक है। चलिए मैं कर तो सकता हूँ, मेरे पास टाइम बचा है 6 मिनट और एक डीआई में खत्म कर सकता हूँ। अब ऐसे मौके पे आपको डिसीजन लेना कि क्या करना है, आपको डीआई देखना है कि क्या करना है, ठीक है। सो मुझे लग रहा है ना मुझे डीआई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पक्का पता है ये बहुत ज्यादा लेंदी है, आपका टाइम खाएगा ये, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, मैं आपको समझा देता हूँ, भले टाइम जरा मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो आप इन तीनों को लेंगे, ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे, तो तीनों को ऐड करेंगे तो तीनों में दोनों कॉमन आएंगे, तो एक 2 से डिवाइड हो जाएगा तो उसका आधा आएगा, और फिर आप उसमें से एक एक करके माइनस करके सारी वैल्यू निकालेंगे, तो भाई बहुत टाइम लगेगा इसमें, छोड़ो इसको, मैं इससे बढ़िया यही कर लिया। स्पीड ऑफ ए इज टू बी 3:2, क्वाइट ए क्रॉस 10 बी वायलेटिंग अपोजिट डायरेक्शन 9 सेकंड, द टाइम ए क्रॉस ट्रेन विल बी, यानी कि आप ले लो लगभग लगभग इसको, यानी कि सेकंड आप इसको ले लो सेकंड, यानी जो स्पीड ऑफ 2 ट्रेन से यानी 3:2, ठीक है। इफ ट्रेन ए क्रॉसेस ट्रेन बी वायलेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 9 सेकंड, 3x और 2x मान लो अपोजिट डायरेक्शन 9 सेकंड, व्हाट इज द टाइम इन ए विल क्रॉस द ट्रेन इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा अगर स्पीड है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा इसका उल्टा, ठीक है, और ये बोल रहा है अपोजिट डायरेक्शन 9, तो व्हाट इज टाइम, तो इन व्हाट टाइम ए विल क्रॉस ट्रेन बी इफ दे आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसमें से माइनस कर लो, और अगर 9x लगा तो ये 5x ले लो, और इसका हो जाएगा लगभग कितना 40 डिवाइड बाई 3 माइनस 2, ठीक, यानी एक्स यानी कि 45 सेकेंड्स, ओके। द एवरेज 80 एम्प्लॉई, अच्छा द एवरेज मंथली एम्प्लॉई टोटल 80 एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी, 23 × 8 कर दो, 8 3 24 8 2 16 17 18, 1 2 3 और 4 इतना है, ठीक है। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ मेल एम्प्लॉइज 20,000, अच्छा यहाँ पे लिखा है, इसमें लिखा है एवरेज मंथली इनकम ऑफ टोटल 80 एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी इज 23,000, ये मंथली इनकम है, ठीक है, तो आप सीधा माइनस लिख सकते हो, ठीक है, और एवरेज मंथली इनकम ऑफ मेल इतना है, इतना है, हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर इन द फैमिली देयर इन द कंपनी, ठीक है यार, यानी कि आपको एक्स भी लेके आप कर सकते हो। देखो इसमें एक और वो मेरे ख्याल से एलिगेशन भी लग सकता है इसके अंदर, हाँ मेरे ख्याल से एलिगेशन लग सकता है इसके अंदर, देखो यहाँ पे 20 30 और 23 में एलिगेशन लग सकता है, ठीक है, 7 और 3 यानी ये रेशियो आ सकता है, और 7 3 10 यानी 70 और 30, यानी कि हाउ मेनी फीमेल्स, अगर फीमेल्स की बात हो जाएगी तो फिर आपका ये हो जाएंगे टोटल कितना एन माइनस, आप अगर ये ले लो तो फिर 7 3 10 80, तो 3 कितना 8 8 3 24, ठीक है एलिगेशन। देखिए मैं एक्स लेके भी कर सकता था, ठीक है, लेकिन एक्स लंबा हो जाता है ना, मतलब x मान लो 80 और वो x माइनस 80 कर दो, x मेल मान लो और 80 माइनस ऐसे, टू फ्रेंड एबीसी, देखिए समझाने में भी है ना, दो चार क्वेश्चन यहाँ पे दो चार क्वेश्चन जो है कम हो जाता है, थ्री फ्रेंड एबीसी इनवर्स इनवर्स साथ इस, और मैं थोड़ा सा बिना बोले करूंगा, ठीक है, जल्दी जल्दी रिस्पेक्टली आफ्टर आफ्टर 8 मंथ पी विड्रॉस हाफ ऑफ इज कैपिटल, चलो मान लो 70 80 और 50 किया था, अब आफ्टर 8 मंथ बी विड्रॉ यानी कि इतना 8 40 रह गया 4 महीने के लिए, ठीक है, ऐसी इंक्रीज इज कैपिटल बाई 60%, यानी 6 बजे 30 बढ़ा दिया, इससे कर लिया, तो इसने भी 4 किया और बाकी 8 यहाँ पे ही रहा, और ठीक है इसने 12 12 7 84 8 8 64 और 4 जो कि 16, तो 6 4 10 6 2 8 ये 80 रह जाते, ठीक है, और ये हो जाए 5 5 40 8 6 32 यानी कि 2 4 3 7 72 रह जाते, तो ये हो जाएगा 4 2 8 4 1 4 20 और 4 32, तो 21 20 और 18, ठीक है, 21 20 18, ओके अब ये क्या बाकी रह गया, इसको छोड़ो यार ये क्या है, स्क्वायर समझ रहा है, सर्कल ऑफ रेडियस, अच्छा ए स्क्वायर सर, एक सर्कल है उसके एक स्क्वायर है जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, अच्छा यहाँ से रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस 7, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर,
रेडियस है 7 सेंटीमीटर। अच्छा 7 सेंटीमीटर रेडियस है तो ये डायगनल के इक्वल होगा ना, इसका डायगनल अंडर रूट 2a होता है डायगनल हमेशा, ठीक है अंडर रूट 2a होता है। तो 7 7 14 यानी तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 7 कर लो आप, ये कट गया यानी a की वैल्यू हो जाएगी 7 अंडर रूट 2 और ए स्क्वायर 7 7 49 इंटू 2 9 2 18 4 2 8 1 9 98 सेंटीमीटर, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे ठीक हो ना भाई, ओके ठीक है। अब इसमें हम लोग कर लेते हैं अगर मिलाना है तो पहले इसको वो करो बराबर करो, ठीक है ठीक है सर। 0 0 हटा देते हैं, रेशियो रखते हैं खाली 4:6 और 5:5, तो ये 6 4 10 5 5 10 बराबर ही है, तो ये हो जाएगा आपका 5 4 9 6 5 11, तो इसको 5:4 में कर लो, 9 5 45 16 6 11 6 44, ठीक है। तो फाइंड द परसेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ मिल्क आउट ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर। अच्छा मुझे मिल्क फाइंड करना है और ये हो जाएगा आपका टोटल, टोटल करना है 5 4 9 17 7 8 45 45, अरे यार तो आप 5/4 भी कर सकते हैं, 5% 4/9 यानी कि आप इसको 4/9 मिल्क आउट ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर। तो देखो यहाँ पे ये तो बहुत इजी है यार, देखो यहाँ पे अगर हमें इसी रेशियो में मिक्स किया तो 5 4 9 तो टोटल 9 हो गए, ठीक है 9 हो गए और मिल्क चार उसमें कितना आएगा आपका 5:4 इफ आर ऑफ ए एंड बी मिक्स हुए रेशियो 5:4 तो कितना टोटल ये हो गया, तो 9 4 यहाँ पे ले लो यानी कि 100 से कर दो तो 400/9 9 9 6 36 36 चार गया फिर 9 6 36 36 फिर 9 6 44 44.44 ये रहा 44.44 ठीक है। सो इतना हो पाया और मेरे ख्याल से मैंने सही डिसीजन लिया क्योंकि ये हो नहीं पाता मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अरे यार और भी तो हो सकते थे, देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन, चलो इसमें क्या है इसको और लास्ट चालू कर देता हूँ, ट्राई करता हूँ 3 4 1 2 1 3 चले कोई बात नहीं मैं पूछूं कोई बात नहीं, चलो ओके। इफ द थर्ड इन ईच वर्ड इज रिप्लेस, ओके चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए इफ द थर्ड लेटर इन ईच वर्ड इज रिप्लेस बाय इट्स इमीडिएट प्रीवियस लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। अच्छा मतलब आर यू ए कर दो एफ ई एस टी यू वी 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 ओ तो एम कर दो एच टी हैव मोर देन वन वोवेल, एक दो दो केवल दो। इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज रिप्लेस बाय टी देन हाउ मेनी विल बी टी टब, एक टी नहीं होता टॉप तो टेन नहीं होता टो टो टी ओ डब्ल्यू टो, वो टो जो उठाता है उसकी स्पेलिंग क्या होती है टी ओ ही होती है ना, वो तो दो ही होगा मेरे ख्याल से टी ओ ही टो होता है ना, टी ओ डब्ल्यू नहीं टी ओ ही होता टो होता है वो टू ही होगा। इफ द लेटर इन ईच वर्ड आर रीअरेंज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तुरंत करो बी आर यू ई एफ डब्ल्यू एम एन ओ पी तो यही है ए M N H O W ठीक है। Then how many words has formed exactly one letter remains at the same position? Okay इसमें तो कुछ नहीं है इसमें इसमें एक है यानी ये रहा M O P इसमें पूरा है, इसे लिखा कि at least then how many words form exactly one letter बोला है तो इसमें तो सारा ही हो गया, इसमें exactly एक ही है इसमें सारा हो गया यानी दो दो केवल दो। If all the words are in descending order from left to right, then which word will be second to the right of the word man after rearrangement? एक सेकंड, if all the words are in dictionary order, पूरा words ही dictionary order में करना है, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका देखिए, कौन सा? F E W, sorry, ठीक है, F F G H N G L M M A N M O P, ठीक है, फिर यहाँ पे H O W, sorry, फिर R U P. What will be second to the right of the word man? Second to the right word man after it. R U B rub. Okay. How many people are? छोड़ो अभी. नहीं पेज भी करेंगे. ठीक है. इसको भी करें. Okay. आगे करते हैं लोग. Okay. ये क्या है? चलिए इसको कर ही लेते हैं भाई आगे तो. ठीक है. 1 to 8. तो everyone is in the different only 3. It from 1 to 8 from bottom to top. यानी कि 8 7 6 5 4 3 2 1 मैं थोड़ा बोलूंगा कम क्योंकि बोलने पे ना कंसंट्रेशन भी करता
only they will live between f and b. Who do not live below f? Question. Only b do not live below b. Upper hai tha. Only three people live between f and b. Okay. Okay. Three will live between a and g. Three will live between a and g, and two will live between d and a. Two will live between d and a. C lives somewhere above h. C lives somewhere above h. Three lives somewhere above h. Who lives by chance? H और E साथ में रहते हैं, H और E साथ में रहते हैं, ठीक है? G लीव इमीडिएटली बिलो B, G लीव इमीडिएटली बिलो B, ओके? और E लीव इवन नंबर 4, अब ये थोड़ा मेरे ये आसान हो जाएगा कि E अगर इवन नंबर 4 पे है, E लीव इवन नंबर 4, F लीव इवन नंबर 4, F भी इवन नंबर 4 पे है, चलिए ये आसान हो जाएगा, B 1 2 3 A, B अगर यहाँ है तो 1 2 3 A यहाँ आ सकता है, ठीक है? B अगर F इवन नंबर पे है तो B को भी इवन नंबर पे ही आना पड़ेगा, ये चार को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है. चलिए अब ए तीन छोड़ के जी है, एक दो तीन, एक दो तीन, अरे कुछ गड़बड़ हुआ है हमसे. एक सेकंड, ओनली थ्री पीपल लीव बिटवीन एफ एंड बी. बी हु डू नॉट लीव बिलो एफ. बी एफ के नीचे नहीं रहता, ठीक है? और ई इवन नंबर पे रहता है और एफ भी इवन नंबर पे रहता है. अच्छा बी तीन छोड़ के एफ है, सॉरी मैंने ए लिख दिया था गाइस. ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, मुझसे आईबीएस पीओ में भी मिस्टेक हुई थी, मैंने नाम दूसरा लिख दिया था. ये मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल, ठीक है? अभी तो गया होता काम से. ओके बी के टीनेज जी है, बी के टीनेज जी है, ये जो मैं मिस्टेक बता रहा हूँ ध्यान देखना. जी तीन छोड़ के है, बहुत इजी इजी पजल्स छूट जाते हैं इन सबके चक्कर में, ठीक है? डी दो छोड़ के, डी एक दो, डी दो छोड़ के, दो डी दो छोड़ के, ठीक है? सी के नीचे एच, सी के नीचे एच, एक सेकंड, एच और ई साथ में, सी के, अच्छा सी के नीचे एच और ई साथ में, तो ई कहाँ है? ई वन नंबर पे है, तो ये रहा. सी के नीचे एच है, ई वन नंबर पे है, तो ये फाइनल बन गया. हो गया, हाउ मेनी पीपल लिव इन डी एन एच? एक दो तीन चार लोग. स्टेटमेंट टू, बी लिव इन द टॉप फ्लोर, बिल्कुल सही है. ओनली टू लिव इन जी एन ई, ये गलत है, वो सही है. ए लिव इन ओनली बॉय, ए लिव इन सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड. अब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा मुझे. हु लिव इन द फिफ्थ फ्लोर? सी. हु इन द फाइनल लिव इन द ऑड नंबर फ्लोर? ऑड नंबर फ्लोर जी बी डी. एक सेकंड, जी भी रहता है, जी रहता है, जी रहता है, बी नहीं रहता, और डी नहीं, ओनली जी, ओनली जी, ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन, क्लिक ऑफ डैश लो. फ्लोर नंबर ए सेवन, गलत. एच टू, गलत. सी थ्री, गलत. एफ फोर, सही. ओके ओके, इसको छोड़ो अभी, इसको तुरंत छोड़ो, इसको हटाओ इसको. ओके, एस इज द डॉटर ऑफ एच, एस इज द डॉटर ऑफ एच, हु इज द फादर ऑफ आई, एच इज द फादर ऑफ आई, एच इज द फादर ऑफ आई, जी इज द मदर इन लॉ ऑफ आर, जी इज द मदर इन लॉ ऑफ आर, जी इज द मदर इन लॉ ऑफ आर, आर एंड जे इज द ग्रैंडसन ऑफ जी, एंड जे इज द ग्रैंडसन ऑफ जी, एंड जे इज द ग्रैंडसन ऑफ जी. ओके, पी हु इज ग्रैंडफादर ऑफ जे, पी हु इज ग्रैंडफादर ऑफ, एक सेकंड, पी हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ जे इज नॉट मैरिड, क्या? पी हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ जे इज नॉट मैरिड टू जी. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, एक सेकंड, यानी कि इसके किसके पिताजी हैं क्या ये? ओके, I is unmarried, I is unmarried, I is unmarried, and Q is one of the family member. तो इसका मतलब ये ऐसा कुछ होगा कि यहाँ पे R आ जाएगा और H की पत्नी G होगी और इसके पापा जो हैं P होंगे और R का बेटा जो है J हो जाएगा और Q G is the mother-in-law of R, G is the mother-in-law of, G is the mother-in-law of R, G is the mother-in-law of R, and G is the grandson of G. P, who is the grandfather of J, is not married to G. I is unmarried and Q is one of the family member. Q है कहाँ पे? लेकिन अच्छा यहाँ पे लिखा ना, both or none of the parents alive. Both or none of the parents is. अच्छा अच्छा, तो समझ में आ गया. यही एक important line था जो पढ़ा नहीं था ऊपर, ठीक है? बहुत important होता है ये पढ़ लेने का. How is G related to? G related to H, उसकी पत्नी है. माउस में थोड़ी प्रॉब्लम. इफ एस इज रिलेटेड टू जे, इफ एस इज रिलेटेड टू जे, सिमिलरली हु अमंग द फैमिली इज रिलेटेड टू आर. एस जो है जे की क्या है? मम्मी है. तो हु अमंग द फैमिली इज रिलेटेड टू आर. आर की मम्मी कौन होगी? ये क्यू. ठीक, व्हिच पेयर ऑफ पर्सन डजंट रिप्रेजेंट मैरिड कपल, नॉट रिप्रेजेंट मैरिड कपल? पी क्यू है, जी एच है, आर एस है, एस और आई नहीं है. ठीक है, सेलेक्ट द ऑर्डर आउट. ओके 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 ओके, कैप डिफरेंट. ये क्या है? शेप, सर्कल ऑफ फोर शेप. चलिए मैं इसको बाद में करता हूँ, ठीक है? ओके, फॉर द नंबर आर ड्रॉ फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग, व्हिच इज द 12th नंबर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द नंबर्स, है ना? तो एक दो तीन
चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एंड मैं उंगली से गिन रहा था, ठीक है ना, माउस से नहीं कर रहा हूँ। इफ ऑल द नंबर एट इवन पोजीशन रिड्यूस बाय वन देन हाउ मेनी इवन नंबर आर देयर इन द स्ट्रिंग। क्या ऑल द नंबर एट इवन पोजीशन आर रिड्यूस बाय वन, तो इवन नंबर पे ये रहा, फिर क्या रहा, देन हाउ मेनी इवन नंबर आर देयर इन द स्ट्रिंग। ये देखो इवन नंबर दूसरा, ये देखो यहाँ पे एक दो तीन तीन, ठीक। हाउ मेनी सर्च लेटर आर देयर विच आर हाउ मेनी सर्च लेटर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली प्रीसेड बाय अ नंबर, यानी के नंबर लेटर सिंबल, नंबर लेटर सिंबल, नंबर लेटर सिंबल एक, नंबर लेटर सिंबल दो, नंबर लेटर ये वन है कि क्या है, ये नंबर लेटर सिंबल, अरे यार ये वन है कि क्या है, वन ही लग रहा है मेरे को, नंबर लेटर सिंबल तीन हुए। तो विच एलिमेंट इज द फिफ्थ टू द राइट ऑफ 14th एलिमेंट ऑफ राइट ऑफ 14th, यानी कि राइट और राइट यानी माइनस कर दो 14 में से 5 या 9, 9 फ्रॉम द राइट एंड, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ। वी हाउ मेनी पेयर ऑफ सिंबल हैव एक्चुअली टू एलिमेंट बिटवीन देम, हाउ मेनी पेयर ऑफ सिंबल हैव एक्चुअली टू एलिमेंट बिटवीन देम। अगर सिंबल ये रहा सिंबल एक, हाउ मेनी पेयर ऑफ सिंबल, एक पेयर ये हो गया, ठीक है, एक पेयर ये दो, ये तीन, तीन ही हुए, ठीक है, ओके। ओनली फ्यू शेफ्स आर कुक, ओनली फ्यू शेफ्स आर कुक, ठीक है, ओनली फ्यू शेफ्स आर कुक, सम कुक्स आर मास्टर, सम कुक्स मास्टर, सम ऑल शेफ आर पियर्स, ऑल शेफ आर पियर्स, सम मास्टर आर पियर, सम मास्टर आर पियर्स, गलत, ऑल पियर्स कैन नेवर बी मास्टर, ऑल पियर्स कैन नेवर बी मास्टर, ऑल पियर्स कैन नेवर बी मास्टर, ये भी गलत है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, ऑल पियर्स कैन नेवर बी मास्टर, सम पियर्स आर डेफिनेटली नॉट कुक, सम पियर्स आर डेफिनेटली नॉट कुक, ऑल पियर्स आर कुक इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं, तो ये थर्ड वाला सही हो जाएगा, एनी ओनली थर्ड फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो ये रहा, ठीक है, ओनली फ्यू कॉर्नर आर नुक, ओनली फ्यू कॉर्नर आर नुक, नो नुक इज एन एज, नो नुक इज एन, नो एज इज एन होल, नो एज इज होल, ऑल होल कैन नेवर बी कॉर्नर, ऑल होल कैन नेवर बी कॉर्नर, ऑल होल कैन नेवर बी कॉर्नर, सम होल कैन, ये तो गलत है, क्योंकि सम ऑल होल कैन नेवर बी कॉर्नर, गलत दिखाई से, एटलीस्ट सम लुक आर होल, एटलीस्ट सम लुक आर होल, ये भी गलत है, ओके। तीसरा क्या है, सम एजेस कैन बी कॉर्नर, सम एजेस कैन बी कॉर्नर, हाँ ये हो सकता है, ओनली थर्ड फॉलो, फिर से थर्ड फॉलो, ठीक है, सिक्स परसेंट इन बी सेकंड सेकंड लेफ्ट ऑफ ए, बी सेकंड लेफ्ट ऑफ ए, ए इज एनिमल नंबर ऑफ वाई, ठीक है, बी सेकंड लेफ्ट ऑफ ए, ए इज एनिमल नंबर वाई, ए इज एनिमल नंबर y, h is in the left of c, yeah, h is in the left of c, h is in the h, क्या लिखा है, so h is second to the right of y, h is second right of y, h is second right of y, वो लिखा है यहाँ पे, h is in the middle left of c, h is in the middle left of c, h is in the second right of, how many percent left of h, कितने लोग हैं, 6% है ना, तो h के तुरंत c होना चाहिए, cannot be determined होगा ना, c p second left of a, p second left of a, a is an inverse of i, h is in second immediate left of c, तो h c तो यहाँ भी हो सकता है, और h c तो यहाँ भी हो सकता है, s is second right of i, cannot be determined भाई, ये तो कुछ नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, l is less than equal to c, एक यहाँ पे देख रहे हैं, l is less than equal to c गलत है, t is greater than j, t is greater than j, second वाला सही है बिल्कुल, ओनली सेकंड फॉलो, ठीक है, ओके, यहाँ पे देख लेते हैं जेड, अरे यहीं पे देख लेते हैं, जेड इज लेस देन जे, जेड इज लेस देन जे, ओके एक सेकंड, जेड इज लेस देन जे, तो एम से यहाँ पे जाओ एन के पास और एन से पे, हाँ ये सही है, चलो डी इज ग्रेटर देन जे, डी इज ग्रेटर देन, डी इज ग्रेटर देन, नहीं एन एन बन गया, एनी ओनली वन फॉलो, क्लिक होना भाई, सी इज लेस देन एम, सी इज लेस देन, देखो यहाँ पे नहीं होगा ये, ये गलत है, बी से रिटर्न के, बी से रिटर्न नहीं होगा, दोनों नहीं होगा, इधर नॉर वन नॉर टू, अगर ये क्या है, इधर लेटर ये नियर कंट्रोल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इसको छोड़ो बाद में करेंगे, तो ये क्या ज़्यादा, ये क्या चीज़ है भाई, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग, इसको करते हैं मैं बेस है, और इस ऑफ देम इज नोन एफ इज सिटेड फिफ्थ लेफ्ट ऑफ वाई, ओके एफ इज सिटेड एक दो तीन चार फिफ्थ लेफ्ट ऑफ वी,
एफिशिएंट फीस टू लैपटॉप वी टू पर्सन रिजर्वेशन वी एन के टू पर्सन रिजर्वेशन वी एन के टू पर्सन रिजर्वेशन वी एन के द नंबर ऑफ पीपल सीटेड बिटवीन के एन एफ इज हाफ नंबर पर्सन बिटवीन पी एन के एन एफ इज हाफ नंबर पी एन के एन एफ एक दो तीन चार पाँच छः सात लोग हैं, एक दो तीन चार छः सात, ये तो मतलब ये हो ही नहीं सकता, ये होगा हाफ द नंबर ऑफ पीपल सीटेड बिटवीन पी एन के वेर पी सीटेड टू लैपटॉप वेर पी सीटेड टू लैपटॉप के कुछ गड़बड़ हुआ क्या? एफ इज सीटेड फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ बी, एक दो तीन चार पाँच सही है, टू पीपल सीटेड इन यूएन के, एक दो सही है, यहाँ पे एक दो सही है, द नंबर ऑफ पीपल सीटेड बिटवीन के एन एफ, एक दो तीन चार पाँच छः सात, के एन एफ इज हाफ द नंबर ऑफ पीपल सीटेड बिटवीन पी एन के, अच्छा पी और के बीच में 14 लोग हो सकते हैं, तब इस हिसाब से तो यानी यहाँ पे अगर पी और के बीच में एफ और पी के बीच में दो लोग हैं तो ओके ओके मैं समझ गया, तो चार लोग हो सकते हैं पी और के बीच में, तो यहाँ पे एक तो पी है और वी है, तो पी और के बीच में चार लोग हो सकते हैं, तो यहाँ पे एक दो तीन चार यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है एक दो तीन और ये चार पी और के बीच में, यहाँ से भी चार लोग हो सकते हैं, और ये 14 लोग हो सकते हैं पी और के बीच में, इतना तो होगा नहीं मेरे ख्याल से, पहले इसको करते हैं पी सीटेड टू लेफ्ट ऑफ के, पी सीटेड लेफ्ट ऑफ के यानी कि ये वाला सही होगा, पी सीटेड लेफ्ट ऑफ के, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, ये पी हो गया, ठीक है पी सी लेफ्ट ऑफ के, फाइव पी वाला सीट में यू एन पी, एक दो तीन चार पाँच यू एन पी, यू एन पी वेर, हाँ पी वेर द फॉर्मर वॉज सीटेड टू द राइट ऑफ द लेटर, यानी फॉर्मर यू जो है पी के राइट में है, यू जो है पी के राइट में है, और कितने लोग हैं, फाइव पीपल इन यू एन पी, यू और पी के बीच में फाइव पीपल हैं, एक दो तीन चार पाँच यू और पी के बीच में इतने लोग हैं, ठीक है ओके, द नंबर ऑफ पीपल सीटेड वी एन एम, ओके वी एन एम इज हाफ द नंबर ऑफ पीपल सीटेड के एन यू, के और यू के बीच में कोई नहीं है, तो वी और एम के बीच में एक लोग हैं, और के और यू के बीच में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ लोग हैं, आठ लोग हैं, तो अच्छा वी और एम के बीच में, एक सेकंड, द नंबर ऑफ पीपल सीट में वी एंड एम, एम कहाँ से है यार, एक सेकंड यार कुछ कंफ्यूजन हो गया क्या, एक सेकंड टाइम कितना हमारे पास, चार मिनट बाद, नंबर ऑफ पीपल सीट में वी एंड एम इज हाफ, वाज हाफ द नंबर ऑफ पीपल सीट में के एंड यू, वी एंड एम V और M के बीच में K और U, ठीक है तो K और U के बीच में देख लेते हैं हम, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ है, तो V और M के बीच में 16 होंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह 16, तो हो ही नहीं सो, M वो सीटेड एट वन ऑफ द एंड, हाँ तो यही सही है, फिर नंबर प्लेस इन पी एन जी, नंबर प्लेस में पी एन जी सेम है, नंबर प्लेस इन के एन एम, पी और जी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, ये एम हो गया, और इसने बोला नंबर ऑफ पीपल सीट में के एन एम, पी एन जी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही के और एम के बीच में, यानी कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, ओके मैन, यानी कि जो कि P यानी कि F, ये जो P और U, M, M अगर यहाँ रहेगा तो एक छोड़ के K को यहाँ आना पड़ेगा, यानी कि ये जाएगा, ठीक है G से नंबर ऑफ पीपल के एन, G से डेट बन रहा, चलिए मिल गया G से डेट बन रहा, यानी कि P एक छोड़ के G आएगा, ओके हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग विद G एंड U, सो G और U के बीच कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात लोग हैं, सात लोग हैं, जल्दी हो जा भाई, द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ V, राइट ऑफ V है एक दो तीन चार पाँच, तो सेम नंबर सिटिंग बिटवीन जी एन पी, नहीं पी एन यू, एक दो तीन चार पाँच, हाँ ये सही है, हाउ मेनी पीपल सिटिंग इन द रो, दो दो चार दो छः, एक सेकेंड, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस लोग हैं, बीस लोग हैं, देर आर इवन नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन, इवन नंबर पहले चेक करना पड़ेगा, यू और बी,
दो तो चार, एक पांच नहीं, वी और जी, ये दो तो चार, दो छः, एक सेकंड यार, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, पी और जी, पी और जी एक ही है ना, एफ और पी, एफ और पी, एक दो तीन चार पाँच छः, हाँ ये सही है, एफ और पी, ठीक है। वी इज रिलेटेड टू एम, वी इज रिलेटेड टू एम, जैसे वी जो है दो दो चार लोग हैं वी और एम के बीच में, एफ किससे रिलेटेड है, तो दो चार वी, एफ वी से रिलेटेड है, ये रहा वी, ये रहा वी, अरे सॉरी वी, ये रहा। ओके ये क्या है 15, इसको छोड़ो फटाफट, ये इजी था बट इसको कर लेना। इफ इन द वर्ड परपेंडिकुलर द लेटर आर रीअरेंज्ड इन अल्फाबेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, पी ई आर परपेंडिकुलर लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट है ये, चालू करता हूँ कि सी ए बी सी, ए ये रहा, ये कहीं है नहीं, सी कट गया, सी डी ई, ये तो जगह ई गया, ई ई गया, ई फिर एफ जी एच आई, नहीं डी भी तो था, डी ई ई फिर जी एच आई, आई कट गया, फिर आई आई जे के, एल ये रहा, एल एल एम एन एन ये रहा, ठीक है ठीक है, एन ये रहा, एन एम एन ओ पी, पी पी दो बार पी है, पी 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 क्यू आर, आर दो बार है, आर और आर, आर और आर, फिर यू, फिर यू, देन विच इज द राइट थर्ड, विच विल बी थर्ड लेटर टू द राइट ऑफ सेकंड वोवेल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेकंड वोवेल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेकंड थर्ड लेटर टू द राइट, थर्ड लेटर टू द राइट लेफ्ट एंड, यानी कि एल, एल इज द राइट आंसर, एल इज द राइट आंसर, ठीक है। और कुछ करने लायक है, एक सेकंड, इफ मीनिंग फॉर विद थर्ड, यानी कि सी तीन तीन दो पांच, यानी कि टी, यानी कि टी, ठीक है टी, और फिर उसके बाद दो दो चार दो छः एक सात ओ, और फिर दो दो चार दो छः दो आठ दो दस, यानी डी, तो इससे इससे आपका क्या बन सकता है, आप तो ले सकते हैं, आप हो जाएगा इसका सी एंड, यानी कि इससे कोई मतलब नहीं बन रहा भाई, कुछ बन ही नहीं रहा है, यानी कि कुछ नहीं बनेगा, लगा देता हूँ एक सेकंड, अरे यार शिट, चलो कोई बात नहीं, सो देख लेते कितना स्कोर आया, स्कोर कहाँ है, अच्छा ये रहा 79.25, ओ गॉड, चले काफी अच्छे मार्क्स हैं, खैर 96% एक्यूरेसी, 100 क्वेश्चन पूरे कर डाले, टोटल क्वेश्चन नहीं, 100 क्वेश्चन कहाँ किए टोटल, अच्छा 80 राइट हुए, 3 रॉन्ग हुए, 17 अनअटेम्प्टेड है, तो देखिए आपके सामने मार्क्स हैं, और प्लीज अगर अच्छा लगा होगा, ठीक है 11:30 बज गए, सो देखिए अब सो गए होंगे सब, मैं भी चलता हूँ, ओके थैंक यू सो मच, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, ये लिटरली बता रहा हूँ आपके लिए किया है मैंने, थैंक यू सो मच।